अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आ रहे हैं, पर ट्रंप के दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। दरअसल अहमदाबाद के स्लम एरिया के आगे दीवार खड़ी की जा रही है और स्थानिकों का आरोप है कि हमें ढका जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया। 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद आने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन जो है जोरों शोरों से तैयारियों में लगा हुआ है। छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है, पर एक तस्वीर जो है वो छिपाई जा रही है। वो तस्वीर जो है फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल हम मौजूद है अहमदाबाद एयरपोर्ट से यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक सड़क है, जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप का जो काफिला है गुजरने वाला है, वहाँ पर एक स्लम एरिया है और वहाँ पर सड़क पर से ये जो काफिला गुजरेगा उसी के ठीक सामने स्लम है, वहाँ पर दीवार बनाई जा रही है। और जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लम एरिया है, सामने की ओर और दूसरी ओर से डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरेगा। तो ये तस्वीर छुपाने के लिए, ये आरोप है यहाँ के लोगों का कि हमको छुपाने के लिए ये दीवार बनाई जा रही है। और फिलहाल जो है प्रशासन जो है यहाँ पर दीवार बना रहा है। आप देख सकते हैं कि नई दीवार यहाँ पर तुरंत यहाँ पर खड़ी की जा रही है और ये पूरा जो इलाका है उसे कवर अप किया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ये दीवार क्यों लगाई जा रही है, बताइए कि ये दीवार क्यों लग रही है, आपको कुछ पता है? ये दीवार रोलअप डैम आने वाला है, इसके लिए लगाई जा रही है कि हम गरीब बस्ती नहीं दिखनी चाहिए। मोदी जी को ऐसा लगना चाहिए कि हमारा गुजरात में बहुत बड़ा है, पर नहीं, हम यहाँ पे बहुत गर्मी में मर रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, जब आने वाला होता है तब हमको ढक देते गरीब इंसान को, तो उसको लगना चाहिए भाई गरीब इंसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे पर्दा लगता है। इतना ही खर्चा उनके लिए करते तो इतना खर्चा हम गरीब के लिए क्यों नहीं करते? बहन आप बताइए, ये दीवार लग रही है, जैसे कि भाई साहब आरोप लगा रहे कि अमरीकी राष्ट्रपति आ रहे हैं इसलिए आपको ढका जा रहा है, तो क्या ये आरोप कितना सही है और इससे कितनी मुश्किलें होगी? बिल्कुल 16 आने सच्चा है, बिल्कुल हमें ढका जा रहा है, क्योंकि हर बार की तरह यहाँ पर्दे लगाए जाते थे और अब तो हद हो गई, ये लोग दीवार चुनवा रहे हैं, तो यानी हम बिल्कुल उनको नहीं दिखने चाहिए। ऐसा लगता है कि हम इनके लिए गंदगी है जो हमें छुपाया जाता है। हमें इतना बुरा लगता है कि हमने उनको वोट दिया और हमारे लिए ये कुछ नहीं कर पाए, और उल्टा अपने देश को दिखाने के लिए, जो ये स्वच्छता दिखाने के लिए ये दीवार चुन रहे हैं, तो इनमें बहुत गलत बात है और हमें बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होता है कि हम लोग उनको नहीं दिखे इसलिए ये दीवार चुन रहे हैं। आपने कुछ प्रशासन से कहा कि ये दीवार मत ढकी, इससे आपको परेशानी होगी, ऐसी कुछ आपने रुजुआत की? हाँ, हमने कहा उनसे कि ये हमारे खुली मैदान है, हम लोग को ना एसी है ना पंखा है, और हम यही खेलते हैं, यही पलते हैं, बड़े और बुजुर्ग सब यही बैठते हैं। हमने मना किया, ये हवा उजास हमारे लिए, एक तो इतनी गर्मी और हवा उजास बंद हो जाए, और हमारे लिए कुछ करना चाहे तो ये भी ढक गया, तो यानी कुछ करेंगे ही नहीं। हमें ये भी तय होना चाहिए, ऐसे लग रहा है कि मैंने तय हो गया कि हमें छुपाने की कोशिश करें, हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, ऐसे मन से हमें लगता है, जो ऐसे लगता है कि दीवार नहीं होनी चाहिए, ऐसे लगता है कि हम लोग दिखे उनको कि हमारी क्या बस्ती की हालत है। ना हमें पानी दिया गया, लेटरिन दिया गया, उनमें भी पानी की व्यवस्था ही नहीं है, पत्रे के मकान है जो कभी भी गिर रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी ना कभी कोई बच्चे पे गिर रहे हैं, हर कोई नई समस्या होती है, और इनमें से भी ये बड़ी समस्या है कि ये दीवार चुनवा रहे हैं। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अहमदाबाद की चकाचौंध तो बिल्कुल देखेंगे, पर ये एक दूसरा जो अहमदाबाद का चेहरा है उसे छुपाया जा रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है, जिसको लेकर वो लोग यहाँ पर अपना विरोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गौतम जोशी, गुजरात तक, अहमदाबाद।